नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज के दिन गांधी जी की जयंती पर दो तरह के लोग गांधी जिंदाबाद बोल रहे हैं। एक वो लोग जो वाकई गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। एक वो लोग जो दिखावे के तौर पर ऐसा करते हैं क्योंकि गांधी को पूजना मजबूरी है। तो अगर आप वाकई गांधी जी को मानते हैं तो आपको दो नारे आज के दिन लगाने चाहिए, गांधी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के दिन देश में नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। गांधी जिंदाबाद नारे का मतलब है भाईचारा जिंदाबाद, और गोडसे मुर्दाबाद नारे का मतलब है सांप्रदायिकता मुर्दाबाद। और आज के दिन अगर भारत को आगे बढ़ाना है, अगर भारत को वाकई बचाना है, तो आपको सांप्रदायिकता मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है गोडसे मुर्दाबाद बोलना। ये एक प्रतीक के तौर पर उन लोगों को जवाब है जो आज के दिन गांधी जयंती पर गोडसे के समर्थन में ट्रेन चला रहे हैं। और पीएम मोदी को भी देखना चाहिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं जो आपके फैन होने का दावा करते हैं, आपकी फोटो बायो में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों पर पीएम मोदी आखिरकार कब बोलेंगे? आज गांधी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया, बाकायदा अपने फोटो शेयर किए, कई पोस्ट किए पीएम मोदी ने। एक पोस्ट में लिखा कि पूज्य बापू की आज जयंती है, तो उन्हें नमन करते हुए पीएम मोदी ने पोस्ट किया। मोदी जी, आपके समर्थक होने का दावा करने वाले आपके पोस्ट के जवाब में क्या लिखते हैं कि हम तो बापू नहीं मानते? कई लोग लिखते हैं कि माफ कीजिएगा सर, कई लोग लिखते हैं कि देश बचा गए नाथूराम, और ये सारे लोग आपका समर्थक होने का दावा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पीएम मोदी आखिरकार कब बोलेंगे? अगर कांग्रेस के समर्थक ऐसा करते, अगर पीएम मोदी के जो समर्थक हैं वो नाथूराम गोडसे के फैन नहीं होते बहुत सारे लोग, तो पीएम मोदी शायद बोलते। तो पीएम मोदी की आखिरकार क्या मजबूरी है कि गांधी जी को पूछते हैं पीएम मोदी और गोडसे जिंदाबाद करने वालों पर बोल नहीं पाते? आखिरकार क्या मजबूरी है? ये लोग आपकी पोस्ट के कमेंट में ऐसा लिख रहे हैं। आतंकी नाथूराम गोडसे के समर्थन में आखिरकार कैसे हिम्मत हो जाती है लोगों की लिखने की? लगातार पोस्ट कर रहे हैं, पूजा करते हुए फोटो पोस्ट किए जा रहे सोशल मीडिया पर। इसे लेकर बहुत सारे लोग तंज कसते हैं मोदी जी। एक तरफ पीएम मोदी गांधी जिंदाबाद करते हुए, उन्हें बापू कहते हुए स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं, और मोदी जी के समर्थक नाथूराम गोडसे के समर्थन में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं। आखिरकार ये हिपोक्रेसी कब दूर होगी? माना कि पीएम मोदी अलग हैं, लिखने वाले अलग हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बहुत बार मन की बात करते हैं, चुनावी रैलियों में छोटी छोटी बातों को उठाते हैं, कई ऐसी बातें भी उठा जाते हैं जो हकीकत से परे होती हैं। तो इस मुद्दे पर आखिरकार पीएम मोदी कब बोलेंगे? कभी तो गांधी जी के समर्थन में पीएम मोदी को बोलना चाहिए कि जो लोग भी नाथूराम गोडसे को मानते हैं, जो लोग नाथूराम गोडसे के बारे में लिखते हैं कि देश बचा गए नाथूराम, पीएम मोदी बस इतना बोल दें कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो आज के दिन नाथूराम गोडसे के समर्थन में पोस्ट करते हैं। बस इतना बोलकर दिखा दे, तब मान लिया जाएगा कि पीएम मोदी वाकई दिल से बापू को मानते हैं। इसे लेकर विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं और ये भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का ये पोस्ट देखिए, जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं कि बापू को मानने वाले क्या किसानों पर ऐसे बल प्रयोग करते हैं? दोस्तों, सिर्फ आज की बात नहीं, हर साल गांधी जयंती पर ऐसी ही हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। पीएम मोदी और बहुत सारे बीजेपी नेता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं, और मोदी समर्थक ये लिखते हुए ट्रेंड कराते हैं कि हमारे लिए तो महात्मा नहीं है। बहुत सारे पोस्टर सरेआम सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। आप नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलने वालों पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।